शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। You know what? तुम बिल्कुल जानवर हो। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही होता है। और मुझे इस जानवर से प्यार है। मुझे भी। मैं अपने अंदर के जानवर की बात कर रहा था। My mom called up today. क्या कह रही थी? बस पूछ रही थी मैं शादी कब करूंगी, माँ कब बनूंगी। तो तुमने क्या कहा? कहा कि तुमसे पूछ के बताऊंगी। क्या जवाब दूं? मेरा और इस दुनिया का अजीब रिश्ता है। We both hate each other equally. मैं तो ये जानता भी नहीं कि मेरे माँ बाप हैं कौन। जानता था तो ऑर्फनेज के सिर्फ फादर मैथ्यूज को। पुलिस फोर्स ज्वाइन किया तो पहले दिन उस प्रीस्ट को मिलने गया। मर गया था साला। मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। तुझे तेरे जवाब कैसे दूं? और मैं इस दुनिया को कुछ देना भी नहीं चाहता। न प्यार न माफी न बच्चा। बोल। गौतम साहब, ये मूसा आया था मेरे पास। काफी पूछताछ कर रहा था आपके और अनीस पठान के बिजनेस डीलिंग के बारे में। मैंने उसे कुछ नहीं बताया सर, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है। Surely God is good to the upright, to those who are pure in heart. But as for me, my feet almost stumbled. I nearly lost my foothold. For I was envious of the arrogant when I saw them prosper in their wickedness. For they suffer no pain, and they are strong and sound of body, free from troubles common to mortals. They are not stricken by human ills. That is why pride becomes their necklace and violence the robe that covers them. Malice flows out from their pampered fatness. Evil oozes from their corrupt minds. They scoff and speak with malice, and in their arrogance they threaten oppression. Their mouths claim heaven for themselves, and their tongues take control of the earth. People, therefore, look up to them and lap up every word they utter. How will God ever find out, they say? Is everything known to the Most High? Such are the wicked, always carefree, while they rake in riches. In vain I have kept my heart clean and washed my hands in innocence. Good to see you, sir. मुझे तो लगा कि आप दोबारा मिलेंगे ही नहीं।
ड्रिंक? नहीं थैंक्स। अरे सर, मालूम है आप हमें उतना पसंद नहीं करते, पर एक ड्रिंक शेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया। हाँ नहीं, रियली थैंक यू। बोलिए कैसा ना हुआ। मिस्टर घोष एक्चुअली। हाँ बोलिए। मुझे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं चलता हूँ। जॉन साहब, मिस्टर घोष, आपका प्रपोजल मंजूर है मुझे, लेकिन बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। ब्यूटिफुल काम, कितने की दे रहे मूसा? अबे साले बहनचोद, मादरचोद, खोल मेरे को। ख्वाब देखता है क्या मूसा? कभी तूने ऐसा ख्वाब देखा है जिसमें तू भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और अचानक भाग नहीं पा रहा है? देख गौतम, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा पर तू फिक्र मत कर मूसा, तेरे को ये ख्वाब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे मुंह पे अगर किसी का खून लग जाता है तो वो ख्वाब देखने के लायक नहीं रहता। खान साहब से तेरे को ये गद्दारी बहुत भारी पड़ेगा। अबे साले, लावारिस कुत्ता भी दो बोटी खाने के बाद जिंदगी भर वफादार रहता है, लेकिन याद रखना, बिना नमक के हर निवाला। सर खून में भी नमक ज्यादा है। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, चाहे कितना ही वफादार हो जाए, मालिक नहीं बनता। सलाम वालेकुम गौतम साहब, अनीस पठान दुबई से। काम की बात कर। आपकी इसी बात का तो मैं फैन हूं। एजी ग्रुप से डील फाइनल है और पैसा भी रेडी है, बस एक बार आप वो कैसा ब्लैंका डॉक्यूमेंट्स दे दो, फिर खान की गर्दन मेरे हाथों में और अल हुनैन की गद्दी एजी ग्रुप के पास, और आपके पास पूरे 40 करोड़ रुपए। चालीस नहीं, 50। 50? डील तो 40 की थी गौतम साहब। डील तो नहीं, मैं फाइनल कर रहा हूं। 50। डील डन। तुझे क्या लगता है वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में होंगे? तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया, आई होप अब मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। गुड नाइट जॉन। काम की चीज तो भूल गया। बिल लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, पूरे 10 लाख हैं। थैंक यू एंड डोंट वरी, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, बस
मेरा काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। थैंक यू। आपका लॉकर नंबर 216। क्या वैल्यूएबल्स थे आपके लॉकर में? सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड। दे वर केप्ट इन अ फाइल। फाइल का कलर क्या था? फाइल पे कुछ लिखा था? ब्राउन कलर फाइल, कासाब्लांका। ठीक है, आप उस रिक्लेम रूम में जाइए और कलेक्ट कर लीजिए। मैम आप यहाँ बैठिए, आई जस्ट चेक। चेक योर बिलॉन्गिंग्स। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? बैंक के रॉबर्ट्स चाहिए। ठीक है सर। और सुन, ये काम डिपार्टमेंट के बाहर होना चाहिए, तेरे को तेरी कीमत मिल जाएगी। अभी देखना आप शिंदे का टैलेंट। कौतम, जितनी जल्दी हो सके हमको इस शहर से निकल जाना चाहिए, हो सके तो इस देश से। चलो लेट्स लीव, लेट्स गो एनीवेयर, लेट्स गो टू दुबई, सिंगापुर, एनीवेयर वी। पहले की खान साहब को पता चले चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जितना भी पैसा हमारे पास है हम उसे जिंदगी भर आराम से रह सकते हैं। कब तक भागेंगे? अंडरस्टैंड दिस, पूरी फाइल वैसी की वैसी है, सिर्फ पेपर्स मिसिंग है। कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन ये नया दुश्मन है कौन, मुझे ये पता लगाना है।
बस एक चीज याद रखना, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। बोल शफीक। खान बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं गौतम, जरूरी बात करनी, जल्दी घर पहुंचो। मैं आ रहा हूं। कहीं खान साहब को तो कोई शक नहीं हुआ?